सेकेंड ईयर का फॉर्म भरने के लिए मैं सभी को जानकारी दे रहा हूँ कि आप सीधा गूगल में जाके यूनी वी एग्जाम करके आप सर्च करेंगे तो ऐसे आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी यूनिवर्सिटी सीकर का ये दिखाएगा, यूनी वी एग्जाम डॉट PDSU। इस पर क्लिक कर ले। इस पर क्लिक करते ही ये पैनल खुलेगा, इसमें स्टूडेंट पैनल पे जाना है, फिर आपको एग्ज़ाम फॉर्म 2020-21 पे जाना है, फिर अप्लाई फॉर एग्ज़ाम 2020-21, और उसके बाद में ये ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म 2020-21 खुल गया है, जिसमें आप रेगुलर करेंगे, फिर आप एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे, इसमें नेक्स्ट भी आपको एजुकेशन सेलेक्ट करना है, उसके बाद नेक्स्ट बीएड सेकेंड ईयर आपको करना रहेगा, तो इसमें बीएड सेकेंड ईयर आप सेलेक्ट कर लें, बीएड सेकेंड ईयर, फिर नेक्स्ट इसमें मेल फीमेल मेल कर देता हूँ मैं, फिर आप अपने कॉलेज का नाम, जैसे मैं एलएन इंस्टीट्यूट का डाल देता हूँ, और पेमेंट ऑप्शन के लिए वही मित्र वाला, जिनका कोई भी पेपर वगैरह ड्यू नहीं है उनको कुछ नहीं करना, सीधा फिर फिल एग्ज़ाम फॉर्म पे जाना है। यहाँ आपसे ये रोल नंबर पूछेगा, आपसे सेलेक्ट लास्ट एग्ज़ाम ईयर एंड एंटर लास्ट एग्ज़ाम रोल नंबर, तो इसमें आपको बीएड पार्ट फर्स्ट के रोल नंबर डालने हैं, तो सबसे पहले 2020 में आपकी परीक्षा हुई बीएड पार्ट फर्स्ट की, और यहाँ आपको रोल नंबर डालने हैं, तो मैं किसी एक कैंडिडेट के रोल नंबर डाल रहा हूँ, ये यहाँ पर आप लोग अपने खुद के पीटीटी सॉरी इसके बीएड पार्ट फर्स्ट के रोल नंबर डालें यहाँ, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो अपने आप आपका फॉर्म खुल जाएगा। यानी आपके जैसे ये ताराचंद है, तो ताराचंद का ये फॉर्म है, इसका ताराचंद खुद का नाम है, पिता का नाम और मदर्स नेम, ये सारे ऑटोमेटिकली आएंगे, आपको केवल इसमें हिंदी में फीड करने रहेंगे, तो इन नामों को अपन हिंदी में वापस से फीड करेंगे, मैं जस्ट एज वैसे ही बता रहा हूँ, फिर आपको वही इसमें आपकी फ़ोटो अपलोड करनी रहेगी, तो जो भी आपकी फ़ोटो होगी मैं जस्ट एज यूँ कर रहा हूँ, एक बार दूसरी फ़ोटो कोई भी, और फोटो के बाद में आपको सिग्नेचर अपलोड करना रहेगा, ये सिग्नेचर, ओके, और फिर आपको नेक्स्ट करना है, यहाँ ये नेक्स्ट कर देता हूँ, उसके बाद आपका फॉर्म खुलेगा, ये फोटो दिखेगी आपको, इधर आपकी सिग्नेचर दिखेंगे, और यहाँ आपको बाकी डिटेल अपनी, यहाँ आपके कॉलेज का नाम दिखाई देगा, जैसे 1025 एल एन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन है, फिर बाकी डिटेल्स आपको इसमें, आधार नंबर यदि आपके पास है तो आप लगा दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ये आपके मेल फीमेल कर देते हैं एक बार, जो भी है इसमें नन कर देते हैं, जन्म तिथि पूछेगा आपसे तो अपनी जन्म तिथि लगा देना आप लोग, जो भी आपकी है, और उसके बाद में आप, ये पूछ रहा है कि क्या आप इस यूनिवर्सिटी से नामांकित हैं, तो इसमें ऑलरेडी आपने बीएड पार्ट फर्स्ट की एग्ज़ाम दी, इसलिए यस है, और इससे पहले कब नामांकित है तो वो सन, उसके रोल नंबर, और को रोल नंबर कौन से हैं, एनरोलमेंट नंबर, यहाँ कौन से कोर्स में आप बैठे थे उसके ऊपर क्लिक कर देना आप। नेक्स्ट यहाँ आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा, तो एड्रेस जो आपका एड्रेस है वो आपका खुद का एड्रेस भर देना, मैं ही काल्पनिक भर रहा हूँ एक बार, फिर इसमें पूछेगा डिटेल ऑफ लास्ट एग्जाम अपीयर्ड इन दिस यूनिवर्सिटी, तो इसमें बी एड पार्ट फर्स्ट की मार्कशीट की डिटेल भरेगी, रोल नंबर क्लास और ईयर ये भर दें आप लोग, फिर ये पूछेगा लास्ट में ये PDDSU से जो भी आप बैठे तो इसके रोल नंबर कितने, जैसे मैं जस्ट एज यू भर रहा हूँ रोल नंबर, मैन एग्ज़ाम ही है, और वर्ष आप 2020 में बैठे थे तो 20 लगा देता हूँ, इसमें प्राप्तांक जैसे इमेजन करो कि 600 लगा देते हैं, और मैक्सिमम मार्क्स मान लो 875 में से है, वो आप मार्कशीट में देख लेना कितने में से कितने आपके मार्क्स आए, उसी के अकॉर्डिंग भरना है, पास या फेल जो भी वो आप कर देंगे, उसके बाद ये लिस्ट आएगी, इसमें लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर्स ड्यू सब्जेक्ट्स, तो इन इन सब्जेक्टों में से आपको कोई भी सब्जेक्ट चयन नहीं करना है, क्योंकि ये ड्यू पेपर्स हैं, जिनके फर्स्ट ईयर का कोई पेपर ड्यू होगा उनको इस पे क्लिक करना है, बाकी लोगों को इसको टच भी नहीं करना है। अब आ जाइए ये डिटेल फॉर फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स, ये सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं, तो सेकेंड ईयर वाले सब्जेक्टों में आपको सभी पे क्लिक करना है, यहाँ ये जो आपको 8 सब्जेक्ट दिख रहे हैं इन सब पे आप ओके कर दें, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, सभी के लिए कंपलसरी है ये। इसके अलावा ये आएगा ग्रुप ए, चूज वन सब्जेक्ट, ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट है, तो टीचिंग सब्जेक्ट वही है जो बीएड पास फर्स्ट में आपने ले लिया, उसके अलावा जो बच गया, जैसे सपोज करो कि किसी की केमिस्ट्री और बायोलॉजी थी, तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री ले ली तो इस साल वो बायोलॉजी ले लेगा, और किसी ने फर्स्ट ईयर में हिंदी ले ली तो जो भी उसका दूसरा सब्जेक्ट बन रहा है वो दूसरा सब्जेक्ट भरेगा, यानी सेकेंड ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट आपको भरना है। तो यह मान लो मैं
केमिस्ट्री कर देता हूँ, क्योंकि उसने पहले फर्स्ट ईयर में बायोलॉजी पास कर ली थी, केमिस्ट्री सिलेक्ट कर दिया। फिर ये नीचे वाला सब्जेक्ट आएगा इसमें ग्रुप बी में, इसमें से आपको ये एनवायरमेंटल स्टडीज़ करना है, 5 नंबर वाला, ये सभी को करना है, सभी के लिए केवल यही आएगा। ये करने के बाद आपको प्रोसीड करना है, प्रोसीड करेंगे तो आपके इसमें कोई भी कॉलम उसमें रिक्वायर्ड रहेगा, तो वो चीज़ें इसमें जैसे हमने सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से हो गया ये। अब प्रोसीड कर देते हैं इसको। प्रोसीड करते ही आपके सामने वो आपका भरा हुआ जो फॉर्म है उसकी पेमेंट इनवॉइस आएगी, इसमें आपकी बीएड सेकेंड ईयर और वो बाकी डिटेल्स आपको दिखाएगा इसमें।